गुड इवनिंग गाइस, प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस सेट 4 के ऊपर, हमारे टॉप 20 एमसीक्यू। इसके पहले मैंने तीन सेट 1, सेट 2, सेट 3 अपलोड कर दिया है, आप उसने देख सकते हैं। तो चलिए, सेट 4 साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा धातु का नाम जिससे बिजली बहता है, तो वो हमारा ग्रेफाइट है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? तो विद्युत और ऊष्मा दोनों की जो सबसे अच्छी चालक होती है वो चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि का नाम क्या है? तो उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, प्रतिजैविक। ये एक ऐसी औषधि होती है जो हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें या तो मार देते हैं या ये औषधि उन लोगों की वृद्धि को रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गिलोय का पत्ता। गिलोय का पत्ता एक ऐसा पत्ता है जिसका इस्तेमाल मलेरिया और डेंगू दोनों में किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो छोटा बच्चा को कार्बोहाइड्रेट का जरूरत पड़ता है, उससे एनर्जी मिलता है, प्रोटीन का जरूरत पड़ता है और विटामिन्स का जरूरत पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए रोटी जरूरी होता है, प्रोटीन के लिए दाल जरूरी होता है और विटामिन के लिए सब्जी जरूरी होता है। तो किसी किशोर बच्चे के लिए रोटी, दाल और सब्जी होना मस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा नर हार्मोन है? तो नर से स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं से पानी खींचना किस तरह का बल है? तो ये कुएं से जो पानी खींचते हैं वो एक तरह का अभिकर्षण बल है। ओके, अभिकर्षण बल क्या होता है? वैसा बल जो केंद्र की ओर लगता है। तो जब भी हम कुएं से पानी खींचते हैं तो हमारा बल कुएं की तरफ नीचे की ओर लगता है, इसे हम अभिकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बैलों द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है? तो बैल जो गाड़ी खींचती है वो अपने पेशीय ताकत का प्रयोग करती है, ये पेशीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक ऊष्मीयमान, सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी गैस का होता है। निम्न में से कौन विस्फोट का उदाहरण है? देखिए, वैसे पदार्थ जो जलने के बाद सिर्फ ऊष्मा देते हैं, और वैसे पदार्थ जो जलने के बाद सिर्फ ऊष्मा देते हैं वो पटाखा होंगे, क्योंकि पटाखा से कोई खाना नहीं बनता है। ओके, ये सिर्फ जलते हैं और आवाज़ देते हैं, तो विस्फोट पूछा गया है जिसका आंसर हो जाएगा पटाखे का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो केंद्रक की संख्या एक होती है। हाइड्रा में किस तरह की जनन होती है? तो हाइड्रा में जो जनन होता है मुकुलन विधि से जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मानव में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इंद्रधनुष जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष में 7 रंग जो होता है वो वर्ण विक्षेपण के कारण आता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि विपरीत आवेश, विपरीत ध्रुव, जो भी रहेगा विपरीत, उसके बीच हमेशा आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है विद्युत तड़ित से बचने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ऊष्मीय तापन प्रारंभ हो जाता है, और ऊष्मीय तापन बढ़ जाने से जो ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ध्रुवों पर रखी हुई बर्फ पिघल सकती है, पूरा धरती पानी पानी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संकटापन स्पीशीज कौन है? देखिए, संकटापन स्पीशीज उसको कहते हैं जो दुनिया में मौजूद है, जो दुनिया में मौजूद है बट बहुत जल्द विलुप्त होने वाला है, वो संकट के कगार पे है।
तो घोड़ा गाय कुत्ता बाघ। देखिए घोड़ा कुत्ता गाय के साथ ऐसा स्थिति नहीं है, बट बाघ के साथ ऐसा स्थिति है। तो संकटापन्न स्पीसीज बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? देखिए खरीफ फसल वो होता है जो गर्मी बरसात के बीच के समय में उगता है। तो गेहूं जाड़ा में उगता है और आलू और सोयाबीन खरीफ फसल नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, सबसे दूर ग्रह कौन है? तो सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। ओके, इसको हिंदी में यम कहते हैं। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बता दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।